हेलो एवरीवन, माय नेम इज योगेश और स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी की प्रसिद्ध कहावतें व उनका अर्थ। ये कहावतों का पार्ट टू है, भाग दो है। अगर आपको भाग वन देखना है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहां जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कहावत है, जल में रहकर मगर से बैर ठीक नहीं। इसकी हिंदी मीनिंग है, किसी के आश्रय में रहकर उससे शत्रुता मोल लेना ठीक नहीं। यानी कि क्या इसका सेंस है, समझ रहे हैं आप? जब आप किसी इंसान के एरिया में रहते हैं ना, दायरे में रहते हैं, तो उससे दुश्मनी लेना ठीक नहीं है, आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। ये इसका सेंस है, जल में रहकर मगर से बैर ठीक नहीं। अगली कहावत देखिए, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ये आपने बहुत बार सुनी होगी, है ना? इसकी हिंदी मीनिंग है, जो ज्यादा बोलते हैं वे कुछ नहीं करते। यानी कि आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं मैं ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, वहां भी चला जाऊंगा, ये भी कर सकता हूँ। तो यानी कि जो बहुत ज्यादा बोलता है ना इंसान, वो कुछ नहीं कर पाता। ये इसका सेंस है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। नेक्स्ट देखिए, जितनी लंबी चादर हो उतने ही पैर फैलाना चाहिए। इसको आप बोलते हैं हिंदी में, जितना जरूरी हो उतना ही खर्च करना चाहिए। यानी कि जितनी आपकी आमदनी हो ना, जितनी आपकी इनकम हो, उस हिसाब से आपको पैसे खर्च करने चाहिए। ये इसका सेंस है, इसीलिए कहावत बोली गई है, जितनी लंबी चादर हो उतने ही पैर फैलाना चाहिए। अगली देखिए, अंधों में काना राजा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कई बार पूछी जा चुकी है एग्जाम्स में। अंधों में काना राजा, विच मीन्स गुणहीनों के समाज में थोड़े गुण वाला व्यक्ति को श्रेष्ठ समझा जाना। समझ रहे हैं आप इसकी हिंदी मीनिंग? मैं समझाता हूँ। देखिए, सपोज कीजिए आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, एक समाज में रहते हैं, मगर वहां पर जितने भी लोग रहते हैं ना उस सोसाइटी में, समाज में, सभी लोगों को ABCD आती है। आप इमेजिन करिए बस कि उनको ABCD आती है और कुछ नहीं आता, सारे गंवार हैं, है ना? और आप भी उस समाज में रहते हैं, मगर आप ABCD भी जानते हैं, गिनती भी जानते हैं, पहाड़े भी जानते हैं, तो वहां पर सबसे श्रेष्ठ कौन होगा, सबसे बड़ा और ज्ञानी कौन होगा? वो आप होंगे, क्योंकि वहां पर जितने भी लोग रहते हैं सबको आपसे कम जानकारी है, सिर्फ ABCD आती है, मगर आपको ABCD भी आती है, गिनती भी, पहाड़े भी, कंप्यूटर चलाना भी, ठीक है? इसलिए कहा गया है अंधों में काना राजा, यानी कि गुणहीनों के समाज में थोड़े गुण वाला व्यक्ति को श्रेष्ठ समझा जाना, ये इसका सेंस है। नेक्स्ट देखिए, आप भला तो जग भला। ये आपने मूवीज में बहुत बार सुनी होगी। इसको आप हिंदी में बोलते हैं, जो खुद अच्छा है उसके लिए सब अच्छा है। यानी कि अगर आप अच्छे हैं ना, तो आपके लिए कभी बुरा नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होता रहेगा, ये इसका सेंस है। नेक्स्ट, अंत भला तो सब भला। ये भी आपने हिंदी मूवीज में बहुत बार सुनी होगी, अंत भला तो सब भला। इसको आप बोलते हैं, आखिर में क्या होता है वही मायने रखता है। यानी कि आपने इस तरह से सुना होगा कई बार, कहते हैं कि मैं लास्ट में हंसूंगा, ठीक है, और जो अंतिम हंसी होती है वो सबसे अच्छी होती है, इस तरह से कहते हैं। तो वही इसका सेंस है, अंत भला तो सब भला। अगर आपका एंड अच्छा होता है ना, तो समझ लो कि सब कुछ अच्छा है। नेक्स्ट देखिए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये भी आपने कई बार सुनी होगी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, विच मीन्स काम करना नहीं आना और बहाने बनाना। फॉर एग्जाम्पल, आप सपोज कीजिए कि डांस फ्लोर पर है, किसी शादी पार्टी में गए हैं और आप अपने फ्रेंड को कहते हैं कि चल आकर चलते हैं और डांस करते हैं, और आपका फ्रेंड बहाने बनाता है कि नहीं यार स्टेज में ये प्रॉब्लम है, ये गाना नहीं लगा, वो गाना नहीं लगा, मतलब समझ रहे हैं आप, वो अपनी सच्चाई नहीं बता रहा कि उसको डांस करना आता ही नहीं है और वो अलग अलग तरह के बहाने बना रहा है। इसलिए कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि किसी काम की आपको जानकारी होती नहीं है और आप दुनिया भर के बहाने बनाते हैं, ये इसका सेंस है। अगली देखिए, एक हाथ से ताली नहीं बजती। विच मीन्स एक के झगड़े करने से झगड़ा नहीं होता है, झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो लोग हैं, एक राहुल और दूसरा राज। अगर राहुल और राज के बीच में झगड़ा होता है ना, तो जरूरी नहीं कि राहुल की गलती होगी, ठीक है? क्योंकि कहते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी कि कहीं ना कहीं पे राज ने भी गलती करी होगी, तभी राहुल ने उससे लड़ाई करी। आपने इस तरह से सुना होगा, कहते हैं कि अकेला बर्तन कभी आवाज नहीं करता, ठीक है?
तो वही इसका सेंस है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। यानी कि जब दो लोगों में कुछ विवाद होता है, झगड़ा होता है, तो दोनों के दोनों लोग कहीं ना कहीं पे थोड़े बहुत जिम्मेदार होते हैं उस झगड़े के लिए, विवाद के लिए। अगला देखिए, ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना, विच मीन्स अगर कठिन कार्य हाथ में ले लिया है तो इसकी कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए। सपोज कीजिए कि आपने सोचा है कि एक यूट्यूब चैनल बनाना और उस पर हर रोज तीन तीन चार चार वीडियो अपलोड करना, और आपको लगता है कि यार ये काम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, यानी कि कठिन है। तो इसका यही सेंस है, ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना। यानी कि एक बार जब आप फैसला कर लेते हैं ना किसी मुश्किल काम को करने का, तो उस काम को खत्म करके ही आपको शांति मिलनी चाहिए, दम लेना चाहिए, ये इसका सेंस है। नेक्स्ट देखिए, ऊंट के मुंह में जीरा, ये भी आपने बहुत बार सुना होगा। इसका मतलब है आवश्यकता से बहुत कम मिलना। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी इंसान से उम्मीद लगा के रखते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि वो आएगा तो आपको ये शॉपिंग कराएगा, फोन दिलाएगा, ये करेगा, वो करेगा, लेकिन आपको वो सब चीजें नहीं मिलती हैं। यानी कि वो ना आपको शॉपिंग करवाता है, ना फोन दिलाता है, बल्कि आपको कहता है कि चला जा, तेरे को एक शर्ट पैंट दिला दूं। मतलब आपने उम्मीद करी थी फोन लेने की, बड़ी बड़ी चीजों की, कि आपको ये सब दिलाएगा वो, और उसने आपको एक शर्ट पैंट दिलाकर काम खत्म कर दिया। तो इसलिए कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से बहुत कम मिलना, जितना आपने उम्मीद करा है उससे बहुत कम मिलना। सो गाइस, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण कहावतें, यानी कि प्रोवर्ब, जो आपके साथ शेयर करी। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए और कमेंट में जरूर बताइए कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।